बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुकिंग विद हिना में लेकर आए हैं आपके लिए देसी जुगाड़ के साथ कपकेक्स बनाना, जो कि हम कोको पाउडर के साथ बनाएंगे आपके लिए। और वो बिल्कुल देसी जुगाड़ होगा, ना उसमें माइक्रोवेव यूज़ होगा, ना उसमें कुकिंग रेंज यूज़ होगा। हम लोग बनाएंगे पतीले में, ठीक है? तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके इसमें जो चीजें इस्तेमाल होगी वो बताती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा मैंने लिया है इसमें, और 1 कप चीनी है इसमें, 1.5 कप मैदा और 1 कप चीनी। इसके बाद है ये 2 अंडे, और ये दूध मैंने लिया है उसमें डालने के लिए कपकेक्स में, बैटर में ऐड करने के लिए। बेकिंग पाउडर है, ये मैं उसमें इस्तेमाल करूंगी। ये वनीला एसेंस है, ये कोको पाउडर है। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। आइए अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी अंडे, ये 2 अंडे। इसमें आइसिंग शुगर ऐड होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे चीनी बारीक है, इसलिए हम लोगों ने आइसिंग शुगर जो है वो ऐड नहीं की, तो मैंने ये दूसरी ले ली है। ये देखें, विदाउट बीटर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ देसी जुगाड़ के साथ। जिन बहनों के पास बीटर नहीं है या वैसे आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ये जो भी है रीज़न, ठीक है, आप लोग इस तरह आराम से इसको बीट करके तो बना सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब आगे न्यू ईयर आ रहा है, आप उसमें न्यू ईयर पर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ, और माशाल्लाह से ये बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी आसानी के साथ बन जाते हैं। ये देखिए मेरा फ्लफी सा मिक्सचर हो रहा है। अभी ये चीनी और अंडे हैं सिर्फ, मैं इनको बीट कर रही हूँ। ये देखें, ये बीटर के साथ, बीटर के बगैर मैंने ये इसको किया है, ठीक है। तो आए मैं पहले आपको वो बता दूँ, मैंने जो पतीले में डाल के रखना है देसी जुगाड़ जो मैंने लगाना है, ताकि वो प्री हीट हो जाए तब तक, बाद में हम इसको आके बीट करते हैं। ये देखिए मैंने नमक ऐड किया है पहले, जो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, क्योंकि ये मैं जुगाड़ लगाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ कप केक्स पिज्जे वगैरह। ये मैंने और नमक ऐड किया है, और नीचे मैंने थोड़ा फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम मीडियम रखा हुआ है, ना बिल्कुल बंद किया है, ना लो है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके अंदर आपने ये इस तरह की जाली, कोई भी अगर आपके पास ये नहीं है, दूसरी तरह की भी है, आप वो रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप रख के तो इसके ऊपर हमने कवर कर देना, ताकि प्री हीट कर लेना, ताकि जब हम कपकेक्स रखें तो हमारे आराम से रेडी हो जाए। ये देखिए इस फॉर्म पे आके हम इसमें अब वनीला एसेंस ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। वनीला एसेंस जो है ये लिया, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में मिलता है, ये 1/2 टीस्पून है, ये मैंने इसमें ऐड किया है। और ये बेकिंग पाउडर है, ये आपने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो ऐड करना है। अब हम इसको फिर से बीट करेंगे। अब हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे।
ये चार ही रख रही हूँ। ये मैंने इसमें चार अदद रख दी है, तो अब मैं इसको कवर करके 20 से 25 मिनट तक के लिए मैं इसको रख छोड़ दूंगी। 20 से 25 मिनट के बाद मैं इनको चेक करूंगी। ये क्रीम मैंने इसमें ऐड की है, ये हम कपकेक की डेकोरेशन के लिए इसको व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे। ये हम इसको बीट करेंगे बीटर के साथ। हम हैंड बीटर यूज कर रहे हैं, हम दूसरा बीटर